आपके अपने चैनल ट्रू टेकी को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रियल टाइम अपडेट्स। हे गाइस, दिस इज अभिनव एंड वेलकम्स यू आपके अपने चैनल ट्रू टेकी पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन प्लस के अपकमिंग फोन के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, वन प्लस ने यार आंधी मचा रखी है। जब पहला फोन लॉन्च किया गया था वो 18 से 19 हज़ार का था, और ये फोन होने वाला है काफी महंगा, हद महंगा। क्योंकि इसके बारे में जो 4 अप्रैल को ऑफिशियल न्यूज निकल के आई है, इसके CEO ताऊ पेटेलाव ने जो ऑफिशियल कंफर्म किए हैं कुछ, इस वीडियो में आगे आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि जो नया स्मार्टफोन आने वाला है उसकी क्या स्पेक्स होंगी, क्या प्राइस होने वाला है, और वो आपके लिए फोन होगा या नहीं। तो ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। अब तो आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि वन प्लस 6 आने वाला है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वन प्लस ने एक ऑफिशियल टीज़र इंट्रोड्यूस किया है जिसमें लिखा गया है द स्पीड यू नीड 6। तो कंफर्म हो जाता है कि वन प्लस 6 आने वाला है, और जो स्पेक्स आपको पता थी वो काफ़ी सारे यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं। तो अर्ज किया है कीगल है, ये वन प्लस 6 के भेष में आईफोन एक्स की शक्ल है। तो इस फोन में आपको मिलने वाली है नोट, जो आपको डिस्प्ले का साइज पता था 6.28 इंचेस का, वो मिलेगा आपको यहाँ पे 6 इंचेस में। फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा, नोच होगा, और CEO ने ये भी कंफर्म किया है कि जिन लोगों को नोच से है एलर्जी तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन कि आप नोच को ब्लैकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये फोन के लॉन्च होने के बाद जो पहला अपडेट आपको मिलेगा उसमें आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर आपको यहाँ बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट मिलेगा, स्नैपड्रैगन 845 जो कि एक धासु प्रोसेसर है। तो भाई रैम का तो ऐसा हो गया है कि फोन को अगर जमीन पर छोड़ दिया जाए तो मिल्खा तो मिल्खा बोल्ट को पीछे छोड़ देगा, ये वाला बोल्ट नहीं ये वाला। यहाँ पे 2 वेरिएंट आपको मिलेंगे जो कि कंफर्म है, 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल और 8 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपेंडेबल स्लॉट नहीं मिलेगा। और इस फोन की बैटरी नहीं है इतनी दासू की गर्लफ्रेंड से बात करते करते उनकी माँ बन जाएगी आपकी सासू, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है 3450 mAh की बैटरी। फोन का डिस्प्ले काफी बड़ा है तो बैटरी बैकअप ठीक है यार, वन प्लस 5T से कुछ ज्यादा है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। तो बात करें अगर इसकी आंखियों की बोले तो कैमरे की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ड्यूअल कैमरा सेटअप 16+20 MP के साथ f/1.7 अपर्चर आपको यहाँ मिलेगा। और जो फ्रंट पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 16 MP का सेल्फी कैमरा विदाउट एनी फ्लैश। इस फोन में एक खास फीचर है जिसके साथ आप गाने गा सकते हैं, बरसात के मौसम में, यानी कि ये फोन वाटर प्रूफ है। और CEO ने एक और चीज़ कंफर्म की है कि आपको इसमें 3.5 mm का जैक मिलेगा, यानी कि आपको अपने कानों में ईयर रिंग्स नहीं लटकाने पड़ेंगे। लड़के होते हुए भी ईयर रिंग्स लगाते हो, शर्म नहीं आती के? और ये फोन रन करेगा एंड्रॉयड 8.1 यानी कि एंड्रॉयड ओरियो पर जो लेटेस्ट अपडेट है, और एंड्रॉयड पी भी आपको इसमें जल्द देखने को मिल जाएगा। USB टाइप सी आपको मिलेगा, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबिलिटी होगी। तो जो वन प्लस 6 में फिंगरप्रिंट आपको मिलने वाला है वो रियर पर भी हो सकता है और इन स्क्रीन भी हो सकता है, लीक्स के बेसिस पे है, इसका कोई भी कंफर्मेशन CEO ने नहीं दिया है। और अब बात करें पैसों की, तो वन प्लस 6 की नोच आपको लेगी नोच, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी हाई होने वाला है, 44,000 से 48,000 के बीच इसके वेरिएंट आएंगे। 3 वेरिएंट के लीक हैं, 2 कन्फर्म हैं, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और हाँ, बात करें अगर रिलीज डेट की, तो ये फ़ोन आपको जून से पहले नहीं मिलने वाला है, क्योंकि CEO ने बोला है ट्रेडिशनली हम फ़ोन जून में लॉन्च करते हैं। हाँ, हो सकता है जून के एंड ना हो के थोड़ा सा जून में पहले हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो टेस्ट चेंज करो, कर ही लो। और आपकी कोई क्वेरी सजेशन या इस फोन को आप खरीदना है नहीं खरीदना है, ओवर प्राइस्ड है, जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ट्रू टेकी को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने बंद कर दिया है क्योंकि इररेलीवेंट पता नहीं क्या क्या पूछा जा रहा था। तो जो लोगों की कोई क्वेरीज है वो इंस्टाग्राम पे DM में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। और भैया अगर ठीक ठाक लग रही हो वीडियो, लड़का भी सही लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।